नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक जारी है और एक और केंद्रीय जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सियासी गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दिन में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति कुर्क की तो वहीं दूसरी ओर रात में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के डिनर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। पार्टी के अंदर संजय राउत सहित दूसरे कई नेता भी मौजूद थे। अगली सुबह बुधवार को शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से लंबी मुलाकात की। संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री के कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने बताया कि किन मुद्दों पर पीएम मोदी से बातचीत की गई है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत के मामले को लेकर भी बातचीत हुई है। पवार ने कहा कि संजय राउत के साथ अन्याय हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, बीजेपी के नेता ईडी को लेकर धमकी देते हैं, संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी, ऐसा क्या इसीलिए किया गया कि वे सरकार के खिलाफ बोलते हैं। एक दूसरे सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार की पूरे 5 साल चलेगी और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है और आने वाले चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। उधर ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर बदले के तहत उन पर कार्रवाई हुई। ईडी ने पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनकी पत्नी के नाम करीब 2 करोड़ की अलीबाग में जमीन और दादर में फ्लैट को फ्रीज करने के लिए एक अस्थायी कुर्क के आदेश जारी किए हैं। ये कुर्की मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी हुई है। ईडी ने इसी मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में पिछले हफ्ते ही चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। बताया जा रहा है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैन परिवार के लोग ऐसी फर्म से जुड़े हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच जारी है। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के वकील सतीश उइके के नागपुर के परिसर पर छापे मारा था। सतीश उइके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ चुनावी याचिकाएं दायर करने को लेकर चर्चा में आए थे। इसी बीच भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ही देशमुख को जेजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। वह शनिवार से अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर ली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने उनके और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई की जांच जारी थी कि ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने अब करीब 1 साल तक चली जांच के बाद देशमुख और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेने का फैसला किया। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। एक और केंद्रीय जांच एजेंसी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सियासी गर्माहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मंगलवार को दिन में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को कुर्क किया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अली दरवाला जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, लीडर है शिवसेना के। दोनों का बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र सरकार,
ये क्योंकि कहा जाता है कि जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया है, लेकिन सीधे सीधे आरोप भाजपा पर लगता है, क्यों? नेहा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस बातचीत से पहले। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, माननीय न्यायाधीश ने भी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको लेकर अपना बयान जारी किया। एक न्यायाधीश अपना अपना बयान जारी करता है, इसके मतलब कि कुछ ना कुछ जो पक्ष वाले कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर जांच एजेंसियां सही है, मैं मानता हूँ 2014 से पहले जांच एजेंसियां थी, आज 2022 में जांच एजेंसियां नहीं है, सीबीआई ईडी सब उसके बनाई गई थी कि जो देश में गलत काम कर रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि 2014 के बाद गुप्त कार्रवाई की गई, अब मुझे किसी सांसद या किसी मंत्री का नाम बता दीजिए, किसी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए किसी खिलाफ ईडी ने सीबीआई ने कार्रवाई की हो। जो जो कार्रवाई चल रही है कंटिन्यूस 2014 के बाद से, वो जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के जो इनका विरोध करते हैं, कायदे से विरोध करते हैं, आज महंगाई है, बेरोजगारी है, दाम बढ़ रहे हैं, तो सही ना करें? ठीक है, 7 राज्यों में इस्तेमाली चुनाव जीत है, जनता है, जनता ने महंगाई को आपको जिता दिया, हम तो उसकी बात करेंगे। उसमें आप ठीक है माध्यम से कभी आप बढ़ेरा जी को पटना जी को करते हैं, अपना संजय राउत के पीछे पड़े हुए हैं और कभी पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। दारूवाला जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आखिर नया बोले? क्या केंद्र सरकार के खिलाफ अगर बोला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला जाएगा, तो क्या सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति पर शिकंजा कसा जाएगा क्या? के माध्यम से मैं आम जनता को ये स्पष्ट और आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्या ये जो आरोप बार बार लगाया जाता है, क्या ईडी का वापर और ईडी का यूज बीजेपी करती है? सबसे पहले मैं इसको खारिज करता हूँ। मुझे सिर्फ आप एक मिनट दीजिए मैम। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 2014 के पहले ये एक पिंजरे के अंदर जैसे एक पैरेट एक पक्षी होता है वैसा हुआ करता था। जब 2014 में माननीय मोदी जी का जब सरकार आया, ये केज, ये जो पिंजरा होता है, ये सारे पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर दिया। जैसा इंडियन मिलिट्री, सर वो आपका नजरिया है ना, विपक्ष तो कहता है अभी भी पिंजरे में बंद तोता ही है। मैम, अगर ये पिंजरे में बंद तोता रहता तो ये इतने फ्री में जो ये कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर, इनके ऊपर नियंत्रण हमारा होता, मगर ये ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा क्या आपने किया कि ये कहा जाए कि जी नहीं, ये तो पिंजरे में बंद तोता नहीं है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो? बिल्कुल, मैं आपको एक एकदम सिंपल कहता हूँ जो आम जनता के एकदम समझ में आएंगी। ईडी जो है वो एक लाइक एक मैथमेटिक्स है मैम, तो अगर 1+1 अगर उसका टोटल 2 आना है तो 2 ही आएगा। उन्होंने जो एविडेंस के बुनियाद पे जो एक्शन लिया है उसका, अब मुझे सिर्फ मैम प्लीज एक मिनट दीजिए मैम, ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं ये बेबुनियाद नहीं है। आप द्विवेदी जी को पूछ सकते हैं, और अगर इनने ये नेशनल मीडिया आपके ऊपर अगर इसने इसको झुटलाया तो ये जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। पत्रावाड़ा चाल का जो प्रोजेक्ट है मैम, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 138 करोड़ ये फ्लैट। सर सब चीजें ठीक है आपकी सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना अली दारूवाला जी, कि अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे पाक साफ है, उन पे ना ईडी कार्रवाई करती है, ना सीबीआई कार्रवाई करती है, ना कोई और सरकारी एजेंसी काम करती है, क्यों? उसका भी जवाब देने तैयार है। अगर आप कोई मेरे सामने अगर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस अगर रखे जिसके ऊपर मनी ट्रेल्स को जो एस्टैब्लिश किया गया उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मैम आप प्लीज मेरे उसको माई अंडरस्टैंडिंग आप लाइए, उसका जवाब देने को भी मैं तैयार हूँ। मगर मैं एक सिंपल सवाल आपके जरिए आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो 1050 करोड़ का जो भ्रष्टाचार यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है मैम, मैं इनसे एक ही पूछना चाहता हूँ मैम, ये जो मनी वर्षा राउत के अकाउंट से इनके मिसेस के अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ, सुचित पार्कर जो बिजनेसमैन की जो वाइफ है, सपना पार्कर, इनके अकाउंट से जो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ, ये
जेंटलमैन सुजीत पाटकर जी, ये आज जेल में गिरफ्तार है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के गुने के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हुई है मैम। ये अगर इस्टेब्लिश होता है तो इसके अंदर बीजेपी दोषी कैसी है, एक सिंपल सवाल है मैम। ठीक है, इसके बाद में ठीक है सर, मैं एक सेकंड मैं रुकती हूँ आपको, संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, अगर आप नेता आपके पाक साफ है, आपके पास पूरे सबूत है, कहीं से भी आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कुछ आपने नहीं किया गैर कानूनी तरीके से, फिर किस चीज का डर सर? कानूनी लड़ाई लड़िए ना, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो कोर्ट का रास्ता भी है सर? नेहा जी, मैंने अभी सबसे पहले सवाल करते समय क्या कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जांच केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो जो उन्होंने कहा वो आप सबको मालूम होगा। आज मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल में जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे माननीय ममता जी के वो पार्टी में जब थे, इसके बाद उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, अब उनके ऊपर वो आरोप खत्म हो गए। और तो बहुत उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूँ कि 2014 से पहले चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके ऊपर कार्रवाई होती थी, लेकिन ऐसा क्या डर भारतीय जनता पार्टी को पैदा हो गया है? क्योंकि बीएमसी चुनाव आने हैं। अब देखिए, चुनाव जब आने होते हैं तो केंद्रीय एजेंसी का पिटारा खुलना शुरू हो जाता है। अब बीएमसी का चुनाव है, इन्होंने धीरे धीरे अपना पिटारा खुलना शुरू कर दिया। तो ये चीज अगर ये देश को बताना चाह रहे हैं, अब हमारे यहाँ जो नहीं ठीक है, चुनाव से पहले पिटारा खुलना शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, डंडे चलने शुरू हो गए। लेकिन सर ये भी देखिए, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के डिनर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचते हैं, वहां पर डिनर किया जाता है, संजय राउत भी वहां पर और दूसरे कई नेता मौजूद रहते हैं। अगली सुबह शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, सर इन मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? खतरे में तो नहीं है महा विकास अघाड़ी सरकार? देखिए, मैं फिर बता दूं नेहा जी, मैं आज भी आपके यहाँ डिबेट कर रहा हूँ और 5 साल बाद तक डिबेट करूंगा, 5 साल बाद भी डिबेट करूंगा कि जब सरकार भी पूरा सरकार पूरा हो जाएगा और दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें दोबारा जीत के फिर सरकार बनेगी, मैं फिर आपके पास डिबेट करूंगा। मैं आपसे चीज बता दूं, किसी के बदनाम करने से सबसे पराजित, देखिए किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता मैडम, आप कितना भी चाह रहे हैं कितना भी कर रहे हैं, क्या बदनाम करने की बात है? ये तो मुलाकात हुई है, मुलाकात के तो तथ्य भी सामने हैं, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जहाँ तक केंद्रीय चुनाव आएंगे तो माननीय रावत भड़ेरा जी फिर ईडी दफ्तर में बैठ जाएंगे। आप देखिए पिछले चुनाव में क्या हुआ था, जब तक चुनाव चले वो ईडी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते थे, 8 घंटे 10 घंटे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये दिखाता था कि आज उनकी जांच हो रही, जांच हो रही, जांच की बात क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट तक रॉबर्ट वाड्रा पाक साफ हो गए, अब गठबंधन के बाद रॉबर्ट वाड्रा भी पाक साफ हो गए सर। अब बीएमसी चुनाव चल आने वाला है, चुनाव से पहले आप लोग पानी पी पी कर कोसते थे उन्हें। अली दारूवाला जी, सवाल आपसे है सर, जब नितिन गडकरी शरद पवार के डिनर में पहुंचते हैं सर, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री से शरद पवार की 20 मिनट तक लंबी मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या बनी बात? अगर बात बनी तो क्या उसके मायने निकाले? अली दारूवाला जी, नेहा मैम, मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी माननीय हमारे जो पंतप्रधान है, ये एक ऐसे मिट्टी के बने हुए इंसान है, अगर आपने कोई दोषी या अगर आपके पास कोई कार्रवाई, अगर आपके पास कोई भी किस्म का गलत व्यवहार है और आप उनके पास जाते हैं और दाद मांगते हैं या रिलीज या कोई भी किस्म की रेडमिसल मांगते हैं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप एक गलत इंसान के पास पहुंच गए। यहाँ पर देश को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर और गरीब जनता के पैसे को लेकर अगर कोई गलत काम करके वहां पर जाके माफी मांगे तो भले वो कोई भी हो, मैं कोई भी नाम नहीं लेना चाहता आपसे मैं, मगर वहां पे कोई शरद पवार माफी मांगने गए थे क्या? मैंने नहीं बोला कोई, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। नितिन गडकरी माफ करने गए थे क्या? नहीं, ये जो आप कह रहे थे यहाँ पर क्या माननीय पंतप्रधान जी को किस लिए मिले, तो ये कोई भी मिलो, किसने भी लोग जाकर मिलो, वहां पर आपको ये देश के हित से कोई भी राहत नहीं मिलेगी आपको, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप लोग ने ये जानना चाहिए। नहीं, मैंने कहा मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, ये मुलाकात किस लिए थी, क्या वजह इसके पीछे थी? 20 मिनट तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बातचीत में कई बातें उठी होगी, क्या वजह इसके पीछे थी सर? करेक्ट, ये तो इनका पक्ष ही बता सकेगा बेहतर कि इन्होंने ये शाम में जो चाय पे चर्चा क्यों रखी थी और क्यों इन्वाइट किया था,
और एक ऐसा भी मायने हो सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की जितने भी नेतागण है वो वहां पर मिले थे। बीएमसी चुनाव में सर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है कहीं? मैं एक बात आज एपीएन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, और ये मेरा नहीं मेरे पार्टी का स्टैंड है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को डिसमेंटल करके भारतीय जनता पार्टी को अपना रूल अपना यहाँ पे शासन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी हाईकमान ने ये कहा है अगला आने वाला चुनाव 2024 में हम हमारे दम पे हमारे बलबूते पर और हमारे जो 54 पॉइंट प्रोग्राम थे उसको लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे और लोगों का उनका जनादेश से हम ये सरकार चलाने चाहते। ये इक्वेशन ये मीटिंग है और ये चाय पे चर्चा, इसमें ना कि हमें माननीय देवेंद्र जी चंद्रकांत दादा पाटिल या मेरे आला कमान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। खिचड़ी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हमने खिचड़ी को लगने वाला दाल भी खरीदने का। ठीक है ठीक है, संजय राउत जी से भी, संजय द्विवेदी जी से भी सवाल ले लेते हैं। संजय जी क्या वजह है सर, क्या लगता है कि संजय राउत तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल निशाना कुछ और है और खिचड़ी अलग ही पक रही है? क्या वाकई आपको लगता है कि नितिन गडकरी आते हैं डिनर पर, वो डिनर करते हैं, वहां बातचीत होती है, फिर प्रधानमंत्री से बातचीत होती है शरद पवार की, शरद पवार राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, वो कब क्या दांव चल देते हैं ये कहा नहीं जा सकता, वो बहुत सूझबूझ के साथ वो कदम उठाते हैं। क्या लग रहा है कि शिवसेना को कांग्रेस को झटका दिया जा सकता है बीएमसी चुनावों के मद्देनजर, कुछ और खिचड़ी पक रही है? नहीं नेहा जी, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि ये सरकार गिराने की जो दो साल ढाई साल से कोशिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार नहीं बनाए हैं, वो दर्द ये है। अब इसमें सबसे ज्यादा राहुल जी इन्वॉल्व थे सरकार बनाने में, और सबसे ज्यादा मानी नवाब मलिक जी इन्वॉल्व थे सरकार बनने के लिए कि तीनों बैठे और सरकार बनाई जाए, और सबके प्रयास से सरकार बनी। अब जिनको ये लग रहा है कि जो संजय राउत जी है, नवाब मलिक जी या माननीय देशमुख जी, इस तरह के लोग थे जिनकी वजह सरकार बन गई, तो ये कुछ नहीं, एक जो कहते ना बदला लेने वाली भावना, तो बदला लेने वाली भावना से ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं कहता हूँ निष्पक्ष होकर आप काम करें, देश आपको मानेगा, लेकिन आप निष्पक्ष होकर अगर काम नहीं करेंगे, आप क्या ईडी के मामले नहीं है क्या, कि सुमरिया जी है जो है जिन्होंने विक्रांत के नाम से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और माननीय राज्यपाल जी का जमा नहीं किया, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? या इस तरह के तमाम ईडी के मामले, जो ईडी के जो मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे हुए हैं, क्या ईडी इस पर जांच नहीं करेगी? अभी आप देखिए शहरुल खान के लड़के पकड़ा गया था एनसीबी द्वारा, क्या वो उस पर क्या नतीजा निकल के आया? तो ये जो ये अपने आप ही सिद्ध हो रहा है, हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ये अपने वाला बहुत सिद्ध कर रहा है कि शहरुल खान के लड़के जब गिरफ्तार किया गया तो इंटरनेशनल दंग माफिया था वो। आज क्या स्थिति क्या हो गई, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में 3 से 4 महीने तक बीजेपी के नेताओं में जो हल्ला मचाया था, किस लिए मचाया था, आज क्या ये बताइए ना, डर है क्या महाविकास अघाड़ी सरकार गिर सकती है क्या, ये बातचीत से डर लग रहा है क्या? आप बिल्कुल, मैं पहले इसने डिबेट में कह दिया था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल बाद चुनाव दोबारा होंगे तो फिर जीत कर आएगी और तीनों पार्टियां एक गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी, ये बिल्कुल निष्पक्ष आप समझ लीजिए। छापेमारी हो रही है पीडीपी की तरह या मायावती की तरह जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, ये क्यों की जा रही है सर, फिर क्या बताने की कोशिश है? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार चला रहे हैं, हम सरकार ऐसे नहीं चला रहे हैं जैसे इन्होंने पीडीपी से सरकार बनाई थी, मायावती जी के संग सरकार 6 महीने की बना ली थी, हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो जनता के हित की बात है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सरकार इसलिए नहीं बनाई हमने कि कल गठबंधन टूटेगा, नहीं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसमें जितने महाराज जनता है, महाराज की जनता है, उसके भले के लिए कार्यक्रम से तो विचारधारा से भी समझौता कर लिया है क्या संजय द्विवेदी जी? जी विचारधारा से भी समझौता कर लिया है क्या? विचारधारा समझौता क्या, कांग्रेस पार्टी क्या देशद्रोही पार्टी है क्या, एनसीपी देशद्रोही है क्या, कितने उसके अंदर आतंकवादी संगठन मुझे बता दीजिए जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, हम उनके कुछ विचार अलग है, हमारे कुछ विचार अलग है। जैसे बीजेपी के अंदर जो पार्टियां अलायंस में है उनके सबके अंदर सबकी विचारधारा बीजेपी तो है नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेकिन देशद्रोही नहीं होना चाहिए। जिस इल्जाम में मानी पीडीपी की नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा था, ऐसे लोगों को हमने चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।